बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू किचन फ्लेवर्स विद सबा। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? फ्रेंड्स, आज मैं आपको 7 टाइप्स के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि इंतहाई डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। चलें फिर वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मिक्स पकौड़ा बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उनमें मेरे पास है, सबसे पहले तो ये मैंने कुछ वेजेस कट करके रखी हैं, एंड में मैं इनके पकौड़े बनाऊंगी मिक्स। तो बाकी जो 7 टाइप्स के बनाने हैं उनके लिए इंग्रेडिएंट में मेरे पास 2 कप बेसन है, थोड़ी सी ये बंद गोभी है, 2-3 मीडियम साइज़ मैंने पोटैटोज लिए हैं, कुछ मैंने राउंड शेप में कट कर लिए हैं, कुछ फिंगर शेप में कट कर लिए हैं, और 2-3 बैंगन हैं, इन्हें भी मैंने कुछ राउंड शेप में कट कर लिया, कुछ फिंगर शेप में कट किया। चिकन है, चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के और ब्लैक पेपर। 2 एग्स हैं, इन्हें मैंने हार्ड बॉयल कर लिया है। कैप्सिकम है, इन्हें मैंने कट कर लिया है चकोर शेप में, किसी भी शेप में, लंबी शेप में भी किया, चकोर में भी, जो आपको अच्छी लगे। ये बेबी स्पिनिच है मेरे पास। उसके बाद ये स्पाइसेस हैं, जो स्पाइसेस ऐड करने हैं, रेड चिलीज है 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून है अनारदाना, 1/2 टीस्पून है गरम मसाला, 1/2 टीस्पून है खुश्क धनिया पिसा हुआ, और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा है, 1 टीस्पून मेरे पास है नमक, और 1/2 टीस्पून है हल्दी कलर के लिए कि अच्छा सा कलर आए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, अब हम पकौड़े बनाने शुरू करते हैं। पकौड़े बनाने के लिए जो हमने पानी लेना है वो नीम गर्म हो, नीम गरम पानी से अच्छे क्रिस्पी और मज़े के पकौड़े बनते हैं। और 1 टेबलस्पून ऑयल की ज़रूरत भी होगी, जब हम ठीक सी पेस्ट बनाएंगे तो 1 टेबलस्पून हम ऑयल भी ऐड करेंगे। तो चलें फ्रेंड्स फिर रेसिपी शुरू करते हैं। दो कप मेरे पास बेसन है, इसे हम एक सेपरेट बाउल में डाल लेंगे। उसमें जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे ये सारे स्पाइसेस ऐड कर लेने हैं। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालेंगे, या जो भी आप ऑयल यूज करते हैं वो आप ऐड कर लें। इससे जो पकौड़े अंदर से अच्छी तरह पके होंगे, क्रिस्पी होंगे और सॉफ्ट भी होंगे। फिर हमने पानी से इसका पेस्ट बनाना है, नीम गरम पानी यूज करना है। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाल लेना है, उसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ऑयल ना ज़्यादा तेज़ गरम हो और ना ठंडा। सबसे पहले हम बैंगन के पकौड़े बनाने शुरू करेंगे। सबसे पहले जो राउंड शेप में कट किए थे वो अच्छी तरह से मिक्सचर में डिप करके इसको अच्छी तरह से ये सारा बेसन का मिक्सचर लग जाए तो फिर हम फ्राइंग के लिए डाल देंगे। ऑयल मीडियम गर्म हो और फ्लेम भी मीडियम टू हाई हो। तकरीबन बैंगन के पकौड़े बन चुके हैं, जो हमने फिंगर शेप में काटते थे वो भी डाल लिए थे, वो भी बन चुके हैं, राउंड शेप वाले भी। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। इस
उसके बाद हम पोटैटोज के पकौड़े बनाएंगे। पोटैटोज भी मैंने कुछ राउंड शेप में कट किए थे, कुछ फिंगर शेप में कट किए थे। ये दोनों अच्छी तरह से इन पे बेसन का मिक्सचर लगा के तो ऑयल में हमने इन्हें डीप फ्राई कर लेना। तकरीबन आलू के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, फ्राई मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी एक सेपरेट डिश में निकाल लेंगे। इसके बाद हम स्पिनिच के बनाएंगे। बेबी स्पिनिच है मेरे पास। बेबी स्पिनिच के पकौड़े बहुत मज़े के बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। तो ये बेबी स्पिनच हमने लेके ये मिक्सचर में अच्छी तरह से उसे डिप कर देना है, अच्छी तरह से मिक्सचर में इसे कोट करके फिर फ्राई करना है। पालक के पकौड़े भी तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके लिए भी एक सेपरेट डिश लेंगे तो उसमें इन्हें निकाल लेंगे। इसके बाद हम कैप्सिकम के पकौड़े बनाएंगे। कैप्सिकम भी मैंने टू शेप में काटी थी, जूलियन शेप में और चकोर शेप में। कैप्सिकम के पकौड़े भी बहुत मज़े के होते हैं और इनका एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है, बहुत मज़ा आता है। ये मिक्स पकौड़े बनाएं तो उनमें भी आप डालें। तकरीबन कैप्सिकम के पकौड़े भी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी सेपरेट एक बॉल में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम कैबेज के पकौड़े बनाएंगे। कैबेज के पकौड़े भी बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं। कैबेज के पकौड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक सेपरेट डिश में निकाल लेते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे एग के पकौड़े। ये टू एग मैंने लिए थे, इन्हें हार्ड बॉयल कर लिया था। इसे अच्छी तरह से बेसन के मिक्सचर में डिप करके कि अच्छी तरह इस मिक्सचर कोट हो जाए, फिर हम ये फ्राई के लिए डाल देंगे। तकरीबन अंडे के पकौड़े भी रेडी हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें भी हम एक सेपरेट डिश में निकाल लेंगे।
अब हमारे पास रह गए हैं चिकन के पकोड़े। अब हम चिकन के पकोड़े बनाएंगे। मैंने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के और काली मिर्च। अब उन्हें अच्छी तरह से मिक्सचर में ऐड करके फिर आपने एक एक करके चिकन, बोनलेस चिकन है, चिकन के पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें सेपरेट डिश में निकाल लेते हैं। हमने अब 7 टाइप के अपने पकोड़े बना लिए हैं। इसके अलावा मैंने मिक्स वेजीज भी कट करके रखी हैं, उनके भी पकोड़े बनाऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसे रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी को आपने अफ्तारी पर इनवाइट करना हो या आप घर में बनाएं, तो आप डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छे लगेंगे ऐसे, और आप हर तरह की चीज़ भी इंजॉय कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियो आपको बआसानी मिल सके। इंशाल्लाह जल्द ही नई और मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।